हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त योगी। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वाले ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो सेकंड सेशन पे रहने वाला है। तो पिछला वाला अगर ब्लॉग आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देखना, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो 10 दिन में वर्कशॉप लेने वाला, तो कौन से दिन को कौन सा सेशन होने वाला है। तो आज सेशन जो रहने वाला है वो है स्क्रिप्ट के ऊपर। तो बाकी की चीज़ें मैं वहाँ पे जाने के बाद बताता हूँ, या फिर वीडियो में जो भी रहेगा आपको पता चल जाएगा। तो ये स्कूल है जहाँ पे अभी वर्कशॉप लेने का चालू है। ये किड्स के लिए प्री स्कूल बोल के, स्मार्ट किड्स का। अगर पिछला वीडियो आपने देखा है तो उसमें आपको पता ही चल जाएगा कि यहाँ तक कैसे आना है। और यहाँ पे सेशन ले लेता हूँ। और यहाँ पे प्रोजेक्टर रूम भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे अभी वीडियोस दिखाना पॉसिबल हो जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने जो शो रील दिखाई है वो इसी पे दिखाई है। आप वो ब्लॉग जाके ज़रूर देखना, पेमेंट की वजह से पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया। अभी इसको सेट करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ वर्कशॉप लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं उनको समझा रहा था, तो उनको समझाने के लिए मुझे अलग अलग तरीके से उनको हंसा के थोड़ा सा कॉमेडी करके उनको सिखाना पड़ता है, क्योंकि चाइल्ड को सिखाना सबसे हार्ड काम है। तो मैं उनको एक बार सिखा देता हूँ, उसके बाद में उसको रिपीट करता हूँ, और जिनको जिनको आता नहीं मैं उनको आगे बुला के वापस एक बार रिपीट करता हूँ। तो पिछले जो सेशन था, मतलब कल वाले सेशन में जो फर्स्ट बैच था उनको शोरील में नहीं दिखा पाया, तो आज मैं उनको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने जो मेरी प्रोडक्शन हाउस की सबसे पहले मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी वो मैंने इनको दिखाई, और ये दिखाने के बाद उन लोगों का जो रिएक्शन मिला, जो फीडबैक मुझे मिला है वो एकदम बढ़िया था। अब इसमें की एक पेरेंट्स है, स्टूडेंट की एक माँ है, वो तो लिटरली उनके आँखों में आंसू आ गया था। अभी वो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर देखो उनका कैसा फीडबैक है। कसा होता? भेटला का? जे मेसेज होता तो पोहोचला का? कसा पोहोचला? कस एका एका वर्डने अख्खी मूवी एक्सप्रेस होते, एका वर्डने। फर्स्ट बैच खत्म होने के बाद खाना खाने को आया हूँ मैं। अभी मैं घर से टिफिन लेके आता हूँ खाना खाने को, क्योंकि बाहर का ज़्यादा खाना अनहेल्दी है। तो मुझे माँ डांटती है कि बाहर का ज़्यादा मत खाया कर, घर का खाया कर। तो मुझे वो टिफिन पैक करके देती, तो मैं आज वो टिफिन खाया, ये वाला लाया था मैंने। उसके बाद दूसरी बैच जो है वो चलती है 4 to 6 PM के बीच में। पहिला आपला होता तो इंट्रोडक्शनचा होता, त्याच्यामध्ये हिस्ट्री सांगितली आपण, त्याच्यामध्ये पिक्चर कसा बनतो ते सांगितलं आपण, त्यानंतर एक ॲक्टरला कोणते गोष्टी माहिती असणं गरजेचं आहे ते शिकलो आपण, या तीनच्या गोष्टी शिकलो कालच्या सेशनमध्ये, ठीक आहे। आता दुसरं सेशन जे आहे आपलं आजचं आहे ते स्क्रिप्टचं आहे, की तुम्हाला प्रत्येक ॲक्टरला 3 टाईपचं स्क्रिप्ट फेस करावं लागतं। सगळ्यात पहिली कुठली फेस करायला लागते? ऑडिशनची, ठीक आहे। ऑडिशनची सगळ्यात पहिली फेस करावं लागते, त्यानंतर मिळती स्पेसिफिक कॅरेक्टरची, म्हणजे एकच कॅरेक्टरचं तुम्हाला स्क्रिप्ट दिली जाते, त्यानंतर तिसरी येते ती फिल्मची। ह्या तीन असे स्टेप बाय स्टेप तुम्हाला स्क्रिप्ट भेटतात, त्यानंतर आपलं उद्या जे होणार सेशन ते वोकल रेझोनेटर्स पद्धती, म्हणजे तुम्हाला आवाज बदलायचा, कसे कसे तुम्ही आवाज बदलू शकता त्याचे एक्सरसाइजेस होते, त्यानंतर मग अजून आपले सेशन आहे। कोण मला सांग? हां मी सांगणार, उभं राहा सांग, आपले कोणते कसे कसे सेशन होणार आहे? ऑडिशन, कॅरेक्टर, फिल्म बनाए, उद्या वोकल रेझोनेटर्स आणि नंतर
आपल्या दिवशी आपण कसे रिहर्सल केला रे? दोन स्क्रिप्ट देणार, ते कसे देणार? इथंच ऑन द स्पॉट इथंच तुम्हाला तयारी करायची, इथंच तुम्हाला ती स्क्रिप्ट परफॉर्म करायची, परफॉर्म करायची बरं का, ऍक्टिंग करायची तुम्हाला त्या दिवशी. हे पाच दिवस सेशन तुम्ही समजून घेणार ना, त्याच्यामुळे तुम्हाला त्या दिवशी ऍक्टिंग करायची. ठीक आहे, इंडस्ट्रीमध्ये कसं करायचं, काम करायचं, कुठं कसे पैसे न सांगतो तुम्हाला फोटो करून तुमच्याकडनं पैसे काढले जातात, त्याच्यावरती आपलं ते सेशन करतात, म्हणजे तुमचा पैसा तुमचा जे वेळ ते वाया नाही जातो. ठीक आहे, ऑडिशन घेणार आहे आपण, तुम्ही एखाद्या जागी ऑडिशन द्यायला जाणार, तुम्ही कसं ऑडिशन द्यायला पाहिजे आपण त्याचं डेमो सारखं घेणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुम्हाला ह्या 10 दिवसात जर काही प्रश्न असतील तुम्ही एक सेपरेट पेज करायचा, त्याच्यावर तुमचे प्रश्न यायचे, तुम्ही लिहिलेत का कोणाला कोणाला प्रश्न पडले ते लिहिलेत का? हा, मग ते लिहून ठेवायचे, मला 10 दिवशी सगळ्या टेन्शन येते, इव्हन पेरेंट्स ते पण तुमचे पण काही क्वेश्चन असतील ते तुम्ही लिहून ठेवा, मला 10 दिवशी तुम्ही विचार. ठीक आहे, हे आपलं. तो सेशन ख़त्म होने के बाद मैंने उनको भी, जो सेकेंड बैच है अपनी, उनको भी मेरी जो शॉर्ट फिल्म है वनडे नाम की, वो मैंने उनको दिखाई, तो सब लोग देख रहे थे. जब ये शॉर्ट फिल्म एंड होने को आया तो सबका रिएक्शन बहुत ही ऐसे हैरान होने के जैसा था, सब लोग ब्लैंक हो गए थे, वो बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे, ऐसे उनके फेशियल एक्सपीरियंस हो रहे थे, बहुत अलग ही उनको यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ. ये शॉर्ट फिल्म का वही मोटो है. तो आप लोग अगर ये शॉर्ट फिल्म देखना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे जाके जरूर देखना. कशी वाटली? कोणाला कोणाला करायचं असं काम? फाइनली मैं अभी घर पे पहुँच गया हूँ. आज का जो सेशन था मैंने बताया स्क्रिप्ट का, कि उसमें से कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करना है. ठीक है, तो अभी घर पे आ गया हूँ, लेकिन कल से मेरे थोड़े से पैर दर्द करना चालू हो गया है अभी, क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं कंटिन्यूसली खड़ा होकर कुछ टीचिंग कर रहा हूँ, तो इतने दिनों तक अपना बैठ के ही ज़्यादातर काम होता था, तो ठीक है चल जाता है, इतना भी ये पेन भी अपन झेल लेंगे, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ जाता है. तो आज का वीडियो इधर तक ही रखते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और इसमें का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर मेरे ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे इससे आगे आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो ये राइट साइड में मेरे इंस्टाग्राम आईडी दिया है, वहाँ जाके मुझे फॉलो ज़रूर करना, जहाँ पे आपको मेरे फोटोज़ हो या फिर रील हो वो देखने को मिलेगा. और जो अपडेट आती है वो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आती है, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो थोड़ी लेट आती है, तो वहाँ पे आपको रियल टाइम अपडेट मिल जाएगा. तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.